बात करनाल से खबर की। सांसद कार्तिकेय शर्मा का चुनाव प्रचार, सावभली गांव में सांसद कार्तिकेय शर्मा चुनाव प्रचार करने पहुंचे। गांव के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील की है। सावभली गांव में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने चुनाव प्रचार किया है। गांव के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील की। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सांसद कार्तिकेय शर्मा के प्रचार की ये तस्वीरें। गांव के लोगों ने जोरदार स्वागत सांसद कार्तिकेय शर्मा का गांव पहुंचने पर किया। बीजेपी के समर्थन में उन्होंने वोट की अपील की है। चुनाव का समय है, 25 तारीख को वोटें डलनी है और मैं आपके सामने कुछ बातें रखने आया हूं, कुछ अपील करने आया हूं। मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि एक तरफ आपके पास 10 साल का कार्यकाल है नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है 10 साल में देश के लिए वो प्रस्तुत करना चाहता हूं, और दूसरी तरफ आपके पास विपक्षी पार्टियों में की तरफ से क्या है वो आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ कोई भी नहीं। जो विपक्षी पार्टियां कहती हैं, हाल ही में एक सीनियर इंडी गठबंधन के नेता से पूछा गया कि आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उसने कहा ऐसा है हम 4-5 लोग आपस में मिलकर फैसला कर लेंगे, एक एक साल समय निकाल लेंगे। एक तरफ तो ये सोच है और एक तरफ सोच है नरेंद्र मोदी की, जिसने देश का दुनिया में नाम करने का काम किया, जिन्होंने आपके लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था जो दुनिया में 11वें नंबर पे होने की 5वें नंबर पे है। आज वे बात करते हैं कि पिछले 10 साल क्या किया और अगले 25 साल में हम देश को विकसित भारत बनाएंगे। चाहे मैं बात करूं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, जहां बिचौलिए को हटाकर सीधे लाभार्थी के खाते में पैसे डालने की व्यवस्था बनाने का काम किया है। हमारे देश में प्रधानमंत्री थे आज से 40-45 साल पहले, जो कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे आपके खाते में पहुंचते हैं। ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई है कि अगर दिल्ली 1 रुपया भेजता है तो आपके खाते में 1 रुपया ही पहुंचे। इतना ही नहीं, यहाँ राज्य सरकार ने व्यवस्था बनाने की कोशिश की है कि उस 1 रुपये को 1.25 रुपया।